सरकारी बैंक की बड़ी लापरवाही। बक्से में रखे गल गए 42 लाख के नोट। सरकारी बैंक पीएनबी की बड़ी लापरवाही की वजह से 42 लाख रुपए के नोट गल गए। ये मामला कानपुर के पांडू नगर की पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां रखी हुई करेंसी चेस्ट में 42 लाख रुपए के नोट पानी में गल गए। सूत्रों की माने तो बैंक की तिजोरी में जगह नहीं थी, इसी वजह से नोटों को बक्सों में ही भरकर दीवार के सहारे रखा गया था और सीलन ज्यादा होने की वजह से ही बक्से में पानी चला गया और ज्यादा समय से बक्से को नहीं देखा गया। इसी की वजह से 42 लाख की करेंसी गल गई। इसी दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की टीम निरीक्षण करने के लिए आई तो मामले की जांच शुरू की गई। इसके बाद ये मामला आला अधिकारियों तक पहुंच गया, जिसके बाद पीएनबी की विजिलेंस टीम ने जांच शुरू की और लापरवाही बरतने वाले 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। इस मामले पर ब्रांच मैनेजर का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। जो भी कार्रवाई होती है वो चेस्ट से होती है। आप लोग बात समझने की कोशिश करिए कि इससे शाखा से कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, आप भी समझने की कोशिश करिए। अच्छा, ये जानते कि 4 लोग सस्पेंड हुए, ये तो पेपर में निकला, आपको ही पता हमको हमसे क्यों कहला रहे हैं, आपको नहीं पता आपने पेपर में चला ही रहे हैं। फिर आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं, इस पे क्या कार्रवाई हो रही है, एक्शन क्या हो रहा है? अभी जांच चल रही है, अभी कुछ नहीं है, अभी जांच चल रही है। बैंकों को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, तभी तो लोग भी अपना पैसा बैंकों में ही रखते हैं। लेकिन इस घटना ने बैंकों की सुरक्षा और देखरेख पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी।